हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड आइसक्रीम। घर में रखे सामान से ही हम इसे बना के तैयार करेंगे और एकदम क्रीमी बनेगी मार्केट जैसी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये वनीला फ्लेवर का है, आप अपने पसंद के फ्लेवर वाले कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम 1/4 कप दूध ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध ही चाहिए। और ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। अब मैंने एक पैन में 1.5 कप जितना दूध ऐड किया है और जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स करते समय 1/4 कप दूध बचाया था उसे भी ऐड कर दिया है। टोटल मैंने इस रेसिपी में 500 ml दूध का यूज़ किया है। दूध में बॉईल आ गया था तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर जो हमने बना के रेडी किया था उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है। फ्लेम को अभी मैंने लो रखा है और ये जो कस्टर्ड का घोल है इसे हम डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हम कस्टर्ड पाउडर को लो टू मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट पका लेंगे। लगातार स्टर करते हुए हम इसे पकाएंगे, इसे छोड़ना नहीं है, ना तो ये इसमें लम्स आ जाएंगे। कस्टर्ड को इस तरीके से पकाने से जब हम आइसक्रीम खाएंगे तो इसमें कस्टर्ड का टेस्ट नहीं आएगा, तो ये ज़रूरी पॉइंट है कस्टर्ड को इस तरीके से पकाने का। और यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गया है और कस्टर्ड बहुत अच्छे से पक गया है दूध के साथ, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप भर के लिया है चीनी, इसको डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, आपको कम मीठा पसंद है तो। अब हम लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने देंगे, ये देखिए इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। चीनी डालने के बाद हम इसे 5 मिनट और पका लेंगे, इससे क्या होगा कि चीनी भी अच्छे से पक जाएगी और बहुत अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार होगी। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टोटल मुझे चीनी, दूध और कस्टर्ड पाउडर को पकाने में 12 मिनट लग गए हैं और बस कस्टर्ड मिल्क रेडी है। हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और बीच बीच में इसे चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो हम इसे फ्रिज में रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। कस्टर्ड के मिक्सचर को मैंने 1/2 घंटा के लिए रख दिया था फ्रिज में और ये देखिए बहुत अच्छे से ये थिक हो गया है। अब हम मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हम कस्टर्ड वाला मिल्क ऐड कर देंगे। इस तरीके से ग्राइंड करने से एकदम स्मूथ मिक्सचर हमें मिलेगा। आइसक्रीम को क्रीमी बनाने के लिए हम यहाँ पे मलाई का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप मलाई है। दूध की मलाई को मैंने 3 दिन के लिए जमा किया था और वो इकट्ठा हो गया था, फ्रीज़र में रखा था। एकदम फ्रेश मलाई का ही हमें यूज़ करना है, बासी वाली मलाई का यूज़ नहीं करना है। इसको हम डाल देंगे, इससे बहुत ही क्रीमी बनेगी हमारी आइसक्रीम। मिक्सी को लेवल 1 में रख के मैंने 1/2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया है और एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी है। मिक्सचर को हम बोल में ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी हम इसे 2 से 3 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखा था मैंने इस मिक्सचर को और ये जमने लगी है। ऐसा ही मिक्सचर चाहिए हमें। आइसक्रीम हमारी एकदम मार्केट जैसे बने इसके लिए हमें फिर से इसको ग्राइंड करना होगा। फिर से हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। इस समय हमें इसे 1/2 मिनट ही ग्राइंड करना है, नहीं तो क्या होगा, जो हमने मलाई डाली है उसका मक्खन निकल आएगा। और ये देखिए बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी है। अब हम क्या करेंगे, एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे। आपके पास जो भी एयर टाइट कंटेनर हो, टिफ़िन बॉक्स हो, उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम इसको कंटेनर में पोर कर लेंगे। हमने यहाँ पे कोई कलर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तब भी बहुत अच्छा कलर आया है। कस्टर्ड पाउडर का एक अपना कलर होता है, एकदम नेचुरल कलर और टेस्ट आएगा इस आइसक्रीम का। मेरे पास टूटी फूटी था तो मैंने इसे डाल दिया है, जिससे कि आइसक्रीम बच्चों को तो और भी ज़्यादा पसंद आएगी। आप अपने पसंद के या बच्चों के पसंद के ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बारीक कट करके। और अब हम इसे फॉइल पेपर से इस तरीके से कवर कर लेंगे। आप आटा की जो थैली आती है वो भी ले सकते हैं, दूध की थैली भी ले सकते हैं, अच्छे से साफ़ करके ले लीजिएगा। बस आइस क्रिस्टल ना जमे इसके लिए हमें ये लगाना पड़ता है। और इसको हम ढक्कन लगा लेंगे इस तरीके से। फ्रीज़र में हम इसे रख देंगे 7 से 8 घंटा के लिए, या आप ओवरनाइट के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं फ्रीज़र में। आइसक्रीम को मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा फ्रिज खुलता है तो दिन में उतने अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, तो मैंने नाइट में ही रख दिया था इसे और बहुत अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं जो हमने डाली थी टूटी फूटी वो अंदर चली गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है दिखाने के लिए। आइसक्रीम को 2-3 मिनट के लिए मैंने काउंटर पर ही छोड़ दिया था। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मेरे पास आइसक्रीम का स्कूप है तो उससे मैं स्कूप आउट कर ले रही हूँ। आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चम्मच से भी निकाल के दिखाया था, बहुत ही अच्छे से निकला था। तो आपने देखा ना, आइसक्रीम बनाना बहुत ही आसान है, घर पे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मार्केट की आइसक्रीम में केमिकल वगैरह मिलाया जाता है, एक क्रीम वगैरह भी अच्छा इस्तेमाल नहीं होता है। घर पे आप अपने ताज़े मलाई से बनाइए इसको
बहुत ही शानदार बनके तैयार होती है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। सारी आइसक्रीम को मैंने निकाल लिया है, आप इसे टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाला है, मेरे पास था तो इस तरीके से कट करके, और बहुत ही टेस्टी बनती है आइसक्रीम, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक आसान सी रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।